इस संसार में श्रेष्ठ पुरुष वो है जो अपनी वामांगी का सम्मान करता है, जो अपनी पत्नी को भोग की वस्तु नहीं समझता, जो अपनी पत्नी को अपने प्राणों की संग नहीं समझता है। दो तरीके के रिश्ते हैं, एक वो जो शरीर की पूर्ति करता है और एक वो जो आत्मा की पूर्ति करता है। जो आत्मा की पूर्ति करता है वो रिश्ता मित्रवत हो जाता है, सम्मान से भर जाता है, और जो केवल शरीर की पूर्ति करता है वो केवल और केवल वासनाओं का पुजारी हो जाता है। ऐसे तो बहुत होगा सोना बाबू और फलाना ढिकाना, पता नहीं क्या क्या, मैं तो सन्यासी हूं, तुम लोग तो जानते हो। कई तो नवयुवक जोड़ों में कुत्ता कुकरा तक हो जाता है, वो उसको कुत्ता कहेगा, वो उसको कुत्ता कहेगा, वो उसको सोना कहेगा, वो उसको सोना कहेगा, वो उसको बाबू कहेगा, वो उसको बाबू कहेगा, ये नहीं पता चलता कौन किसका बाबू है। ये रिश्ता बहुत पवित्र है, बहुत पवित्र है। हर एक रिश्ते की अपनी मर्यादा है। राखी बहन ही बांध सकती है, पत्नी नहीं। बाबू मां कह सकती है, बीवी नहीं। बीवी जब से बाबू कहने लग गई तब से तो सत्यानाश हो गया, क्योंकि वेद कहता है स्त्री के लिए उसका पति बेटा बन जाता है, पर कब? जब उसके बेटे बड़े बड़े हो जाते हैं। तब वेद कहता है, ऋषि परंपरा कहती है कि तेरी बहुत सी संतानें हो, हे सुहागन स्त्री, तेरी बहुत सी संतानें हो और तेरी आखिरी संतान तेरा पति बने। लेकिन ये बुढ़ापे की बात है। आज तो ब्याना भया बातें, पहले ही बाबू सोना, बाबू सोना, बाबू सोना, ये प्यार नहीं है, ये वासना है, ये वासना है। शयन में, भोजन में, घूमने फिरने में, कपड़े लत्ते में, हर परिस्थिति में जब भोग वासना भर जाती है तो मनुष्य का जीवन सड़ जाता है। समझ रहे मेरी बात? मनुष्य का जीवन सड़ जाता है जब वासनाएं अधिक हो जाती हैं। वासनाओं का घिराव कम होना चाहिए तो जीवन शुद्ध रहेगा, तेजस्वी रहेगा, पवित्र रहेगा। आप सब तीर्थ में आए हो, कहते हैं तीर्थ में आकर कोई ना कोई बुराई छोड़नी चाहिए। कोशिश करिए अपनी जिंदगी की कोई एक बुराई जिसे आज तक आप नहीं छोड़ पाए, उससे आज पशुपति से कहिए, महादेव लो आज मैं छोड़ देता हूं, आज मैं अपनी बुरी आदत को छोड़ देता हूं। और अगर तुम्हारे संकल्प में ताकत है तो तुम छोड़ दोगे। तुम्हारे संकल्प में बल होना चाहिए।